तो सब आता है, खाना बनाना वगैरह। अरे आपने तो कुछ खाया नहीं। अरे चाय के साथ कुछ नमकीन लो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटा। नमस्ते। नमस्ते आंटी। बाय। बस खुश मिल गई शांति आपको। वैसे आपको नहीं लगता कि आपको एटलीस्ट मुझे एक बार इन्फॉर्म कर लेना चाहिए था किसी को ऐसे इनवाइट करने से पहले? एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है, मैं यहां चाहे किसी को भी इनवाइट करूं। फेयर इनफ देन, ये आपका घर है ना, आप जिसे चाहे इनवाइट करो। एंड जस्ट लाइक दैट ये मेरी लाइफ है, मुझे मेरे लाइफ में क्या करना चाहिए वो डिसीजन भी मेरा होना चाहिए ना। तो मुझसे ज्यादा जबान मत चला, इतना अपनी मर्जी करने का शौक है ना तो पहले शादी कर ले, ससुराल जा और वहां अपनी मर्जी चला। ओ गॉड, जब देखो शादी शादी, इसके अलावा कोई और बात करनी नहीं आती क्या आपको? और आपको समझ में क्यों नहीं आता है कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, इज इट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ व्हाट? ऐसे कैसे नहीं करनी शादी, 30 साल की होने वाली है तू, और क्या बूढ़ी होने का वेट करना है तुझे? वेट मतलब? यू जस्ट शट अप ओके। क्या बोला तू? क्या बोला? सॉरी मम्मी, वो गलती से निकल गया। सॉरी बोल। मैं क्यों सॉरी बोलूं, पहले उसने मारा मुझे। सॉरी बोल दीदी को। सॉरी कबीर, मैंने कहा सॉरी बोल दीदी को। सॉरी दीदी, बस देख रिया, अंटिल यू गेट मैरिड यू आर माय रिस्पांसिबिलिटी, तो तुझे अगर कोई पसंद है तो मुझे बोल दे। मेरा कोई नहीं है मम्मा, और ना ही मुझे चाहिए। एंड प्लीज डोंट फील बर्डन थिंकिंग अबाउट योर रिस्पांसिबिलिटीज, ओके? मैं अपना फ्यूचर खुद देख लूंगी, आप उसकी टेंशन मत लो। तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर, माँ हूँ मैं तेरी। तो माँ का काम बस ये होता है क्या कि पैदा करो, बड़ा करो, बस शादी कर दो? हाँ, तू बता दे क्या होता है माँ का काम। इट्स ओके मॉम, आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट अ सीन आउट ऑफ दिस, आई नीड टाइम। बस एक रिक्वेस्ट है, अगली बार किसी से मेरे बारे में कुछ भी बोलने से पहले बस मुझसे एक बार पूछ लेना, दैट्स इट। ये ठीक है, मां ना हो गई नौकरानी हूं मैं, जिसे देखो रोब झाड़ना आता है। तू यहां बैठे बैठे क्या कर रहा है? चले बर्तन उठा और धो। यार आप मुझे क्यों धक्का मार रहे हो, धो दूंगा मैं बर्तन। धो दूंगा नहीं, अब भी उठा और धो दे। और तेरी बहन को भी देख, जब देखो मौत आई रहती है उसके मुंह पे। क्या चाहिए? माहौल गर्म नहीं है तो मैं आ जाऊं? जा यहां से कबीर, तंग मत कर। अच्छा, पर मैं लाया था साथ अपने कुछ। क्या है? तड़ा। क्या देख रही है? ओ नाइस, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड, तूने पहले नहीं देखी है? ओए मांग ले, छीनने की क्या जरूरत है? तू ही मेरे लिए लाया था ना। मैंने कब बोला तेरे लिए लाया हूँ? मैंने बोला बस लाया हूँ। तुझे वो दिनेश चाचा याद है? अरे वो जो चंडीगढ़ वाले घर के पास आइसक्रीम की रेडी लगाते थे। जब भी स्टेट ऑफिस वाले आते थे वो हमेशा रेडी लेकर हमारे घर में आकर छुप जाते थे, और तू उनकी सारी मैंगो आइसक्रीम खा जाती थी रिश्वत में। तेरी वजह से वो स्टॉक ही कम रखते थे मैंगो आइसक्रीम का। आई नो, और तू कसाटा, और तेरा हमेशा खाने के बाद गला खराब हो जाता था और मामा से मार पड़ती थी। क्या सही दिन थे ना वो। और अब देख खुद को। अब देख खुद को मतलब? मतलब इतनी सड़ी हुई रहती है तू आजकल, क्या बात है? कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स, कोई तो बात है। बाय द वे वो उसके क्या हाल है, क्या नाम था उसका? गणेश। गणेश नहीं, गिरीश। गिरीश नहीं, गणेश। अक्कड़ देखी है तूने उसकी, गए तोंडे कहीं का। ब्रेकअप हो गया क्या तुम्हारा?
तू पागल है क्या? आर यू सीरियस? कुछ था ही नहीं हम दोनों के बीच में, तो ब्रेकअप का क्या मतलब है? अच्छा, कुछ नहीं था। यू जस्ट शट अप, ओके कबीर, ज़्यादा अपना दिमाग मत दौड़ा। हम जस्ट फ्रेंड्स थे और अब तो वो भी नहीं है। मतलब फ्रेंडशिप ब्रेकअप? वैसे तेरे और कौन कौन से क्लोज फ्रेंड्स हैं आज तक? आई मीन आई हैव नेवर हर्ड यू टॉकिंग अबाउट एनी। लिसन, आई नो हम हमारी फैमिली में एक दूसरे को पूरा स्पेस देते हैं, पर वो स्पेस ना इतना भी नहीं होना चाहिए कि किसी को किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत हो और दूसरा बस देखता ही रहे। इसलिए बात कर मुझसे। हाँ नहीं है कोई खास फ्रेंड्स तो उसमें क्या बड़ी बात है? ऐसे बोर नहीं हुई तो अकेले? बोर होने का क्या मतलब है? अच्छा लगता है मुझे ऐसे रहना अकेले, और शायद किसी और को भी कुछ इंटरेस्ट नहीं था मुझसे फ्रेंडशिप करने में। कूल नहीं हो ना तेरे और तेरे हिप्पी फ्रेंड्स की तरह। एक्सक्यूज मी, हिप्पी फ्रेंड्स किसे बोल रही है? और ये तुझे किसने बोला कि तू कूल नहीं है? इसमें बोलने वाली क्या बात है? पता है मुझे नहीं पसंद मुझे ये नए नए कपड़े पहनना, मेकअप करना, क्लब जाना और इंस्टाग्राम में मीम शेयर करना। तो तुझे किसने बोला कि जो ये सब करता है वो ही कूल होता है? आई मीन लुक एट योरसेल्फ, हमेशा से स्कॉलर रही है, टॉपर रही है, स्कूल और कॉलेज में इतने कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, कभी किसी ने बोला है तुझे कुछ जिससे तुझे ऐसा लगता है? उस गाय तोंडे ने तो नहीं तुझे कुछ बोला? बोला है तो बता जाके, मैं उसकी ऐसी तैसी फेर दूंगा। शट अप ना कबीर, पागल मत बन, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो फिर कहां से तू ये सब सोच के बैठी है? पता नहीं यार, और वैसे भी इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, लोगों के बिहेवियर से ही पता चल जाता है। तो ये सब लोगों के बिहेवियर की वजह से तुझे ऐसा लगता है? आई गेस आई थिंक आई नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। तू चल मेरे साथ। कहां? तू चल ना। अरे रुक, इसको रखने तो दे। चल। कहां ले जा रहा है कबीर? लिसन, आई नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज, और अब हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। क्या प्रॉब्लम कबीर? व्हाट इज दिस? तेरी प्रॉब्लम। तेरा दिमाग खराब है कबीर, और कुछ नहीं। मेरा दिमाग खराब नहीं है, तेरा दिमाग ठीक करना है। तेरी प्रॉब्लम तो खुद है पागल। रिया, तू कहां से ये सब बातें सोच के बैठी है? तुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला, तो फिर कहां से तूने अपनी खुद की ये इमेज बनाई है कि तू कूल नहीं है? आई अंडरस्टैंड तुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, पर तू अकेले इसलिए रहना चाहती है क्योंकि तुझे लगता है कि तू कूल नहीं है? तो ये गलत है। तू हमेशा से एक एम्बिशियस लड़की रही है। इनफैक्ट तूने आज तक लाइफ में जो भी गोल बनाए हैं वो सब अचीव किए हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं 10% भी तेरी तरह होता ना, तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। और ये मेकअप, क्लब, कपड़े, ये सब लाइफ में मैटर नहीं करते। जो मैटर करता है वो सब तेरे पास है। और ये लोगों का बिहेवियर भी शायद इसीलिए ऐसा है क्योंकि वो तेरे से जेलस हैं। इसलिए प्लीज खुद पे रहम खा और ये सब फालतू की बातें दिमाग से निकाल दे। अच्छा चल, मुझे $10 दे। एक मिनट, $10 किसके? अरे तेरा मुंह ठीक करने के लिए जो मैं आइसक्रीम लाया उसके $10। अच्छा, कौन सी आइसक्रीम $10 की आती है बताना? तो उसे लाने में मेरी जो एनर्जी लगी है, चल उसका सर्विस चार्ज लगेगा ना। $10 दे मेरे को। नहीं देती। नहीं देगी? नहीं। तेरी माँ की। तेरी माँ की? तो तेरी भी तो माँ ही हुई ना। चल हट।